आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे एयरटेल मोबाइल सर्विसेज के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एयरटेल मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अगर आप प्रीपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं एयरटेल का, या पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, और आपको अगर एयरटेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे आप भारत सरकार के इस मंत्रालय को अपनी शिकायत भेज सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें करनी है डायरेक्ट मिनिस्ट्री को कंप्लेंट भेजने से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर आपका पोस्टपेड का आपको बिल में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो किया था उसमें कोई दिक्कत है, या आपने कोई रिचार्ज किया था उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको ये करना है कि एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना है और उनको बोलना है कि ये मेरी शिकायत है, आप इसको दूर कीजिए। अगर एयरटेल कस्टमर केयर आपकी शिकायत दूर कर देता है, बहुत अच्छी बात है, आपको आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पर इनकेस समझ लीजिए एयरटेल का जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद नहीं कर पाता, या फिर आपको जो वो मतलब सॉल्यूशन देता है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में आपको एयरटेल के नोडल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना है अपने स्टेट के। तो देखिए, गूगल पे आ जाइए आप और एयरटेल नोडल ऑफिसर यहाँ पर सर्च कीजिए। अब एयरटेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप जाइए। तो देखिए, यहाँ पर एयरटेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट में नोडल ऑफिसर की जो लिस्ट है, जो मोबाइल रिलेटेड सर्विसेज या मोबाइल रिलेटेड शिकायतों को हैंडल करती है, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, जैसे समझ लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि मध्य प्रदेश कहाँ है। तो देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ का जो नोडल ऑफिसर है वो इंदौर में है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या मोबाइल नंबर है वो ये है, और उनका ईमेल एड्रेस ये है। तो देखिए, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा कि आप ईमेल कीजिए, तो आपके पास रिटर्न प्रूफ भी हो जाएगा, आगे मंत्रालय को भेजने के काम भी आ जाएगा कि आपने नोडल ऑफिसर को संपर्क किया था। तो ईमेल कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अच्छे से इनको बताइए, लिखिए और भेज दीजिए, और कुछ दिन का समय दीजिए, इन लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। इनके समझ लीजिए आपकी मदद नोडल ऑफिसर भी नहीं कर पाता है, तो उस केस में आपको एयरटेल अपीलेट अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है। तो देखिए, गूगल पे आइए और एयरटेल अपीलेट सर्च कीजिए, और इस जैसे कि पहले मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। तो ये जो मोबाइल सर्विसेज का जो अपीलेट अथॉरिटी है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए, समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कर्नाटका से हैं, ठीक है, और आपने कर्नाटका के नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट किया है, पर आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम थी वैसी की वैसी है, या फिर जो और मतलब कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा प्रॉब्लम पे, तो अब आप कर्नाटका के अपीलेट ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटका में जो स्टेट में जो नोडल ऑफिसर सॉरी अपीलेट ऑफिसर बैठा है वो बेंगलोर में बैठा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ये ईमेल एड्रेस है। तो मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा ईमेल कीजिए, सबसे बढ़िया है, आपके पास प्रूफ भी हो जाएगा आगे चल के मंत्रालय को भेजने के लिए कि आपने नोडल ऑफिसर और अपीलेट ऑफिसर दोनों को कॉन्टैक्ट किया था, पर आपकी शिकायत वैसी की वैसी धरी हुई है। अब इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांसेस है कि अपीलेट ऑफिसर के पास अगर आपकी शिकायत पहुंच गई तो उस पर उन लोग अच्छा एक्शन लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। पर इन केस तब भी उन लोग दूर नहीं कर पाते, तो अब अपन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास अपनी शिकायत भेजेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करके, उसका नाम है pgportal.gov.in। तो इस पे आ जाइए, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दी हुई है, और इस वेबसाइट में आपको रजिस्टर वगैरह करना है, तो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा वो कैसे किया जाता है। और आपको अपनी शिकायत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आएगा, उसको अपनी शिकायत भेजनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास आपको अपनी शिकायत भेजनी है,
pgportal.gov.in का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत रजिस्टर करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको इस साइट पे आके अपना अकाउंट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं था, पर अभी पिछले कुछ महीने पहले लोगों ने अपने साइट में कुछ चेंजेस किए हैं और अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पूछिए उसको आप सही तरीके से भरिए। गलत डिटेल या इनएक्यूरेट डिटेल मत भरिए, हो सकता है नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब और भी कुछ चीज़ें डालनी है जो यहाँ पर इस फॉर्म में पूछी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि आपको जो अपना लॉगिन आईडी है यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं जो आप यहाँ पर डालेंगे, तो इस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। इनकेस अगर आप अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एंटर कीजिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर, उसके बाद ये मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाइए। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद फ्रेंड्स, आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही है तो आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे कुछ वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करेंगे उस पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी और आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको अपने अकाउंट में पहली बार लॉगिन करते समय एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी और आपके मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस में जो आपके वेरिफिकेशन लिंक गई है उसको आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है इस साइट के साथ। और आपके मोबाइल नंबर पर जो एक वन टाइम पासवर्ड आया है या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड आया है तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने अकाउंट पे pgportal.gov.in के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड डालना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही तरीके से डालिए और आपको यहाँ पर अपना अब जो लॉगिन करना है यहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अगर अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस रखा होगा तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए, अगर आपने मोबाइल नंबर रखा होगा तो आपने यूज़र नेम की फील्ड में ये जो दिख रही है इसमें मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालिए, ये जो कैप्चा दिख रहा है 3965854 इसको यहाँ पर टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। आपके केस में हो सकता है कैप्चा कुछ और दिखेगा। एक बार जब आप लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो यहाँ पर देखिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपकी जो ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है इन मैटर से रिलेटेड तो नहीं है, अगर इन मैटर से रिलेटेड होगी तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये चेकबॉक्स में क्लिक कीजिए और सबमिट। अब फ्रेंड्स, अगले पेज पे आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि अपन किस डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेंट भेज रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। तो इस वीडियो में जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम मैंने आपको बताया है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है। ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है इसमें अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है और मैं यही बोलूँगा जितना इन्फॉर्मेशन आप दे सके उतना अच्छा रहेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इन केस अगर आपने पहले कुछ इसके पहले कंप्लेंट फाइल की थी मतलब इसी पोर्टल पे, तो उस केस में आप उसका रेफरेंस नंबर या फिर जो कंप्लेंट नंबर है वहाँ डाल सकते हैं। साथ साथ में पिछले कंप्लेंट की जो डेट थी या फिर पिछला जो रेफरेंस था आपका नंबर था उसकी जो डेट थी उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ चूज फाइल जो लिखा हुआ है, इस ऑप्शन या बटन का यूज़ करके आप एक पीडीएफ फाइल 4 MB तक के अटैच कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है जो आप यहाँ पर इस डब्बे में टाइप करेंगे उसके साथ भेज सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ फाइल रहेगी ये मतलब आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो आप को लगता है कि लगाना चाहिए, तो आप उसको स्कैन कीजिए, या तो एक स्कैनर का यूज़ कीजिए या फिर स्मार्टफोन में कैम स्कैनर नाम का सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके आप स्कैन्ड फाइल अपलोड कीजिए, पीडीएफ फाइल क्रिएट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। और एक बार जब आपने सब डिटेल डाल ली है और आप सेटिस्फाइड है कि आपने पूरी तरीके से अपना जो कंप्लेंट है उसको लिख लिया है, सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका कंप्लेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और जब वापस आप इस होम बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस टाइप के अपने अकाउंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी मेरा कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, पर आप जो कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे उसके मिनिस्ट्री के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखेगा। जिस दिन आपने शिकायत की थी वो तारीख यहाँ पर दिखेगी, और अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है तो उसकी तारीख यहाँ पर दिखेगी। साथ साथ में फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ रिमाइंडर लॉज कराना चाहते हैं तो इसी पेज में आपको दिखेगा। साथ साथ में अगर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स या उसका भी बटन इसी पेज पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।